ग्राम एबनी में स्थित प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालय में एक शिक्षक द्वारा प्रांगण की दीवार पर लिखे कथन को लेकर काफी विवाद हुआ था, जो कि धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा देने वाला था, जिसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रांगण में स्थित दोनों विद्यालय के मास्टरों को निलंबित कर दिया। ललितपुर में विगत दिनों पूर्व तहसील तालभेट के अंतर्गत ग्राम एबनी में प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालय प्रांगण की दीवार पर लिखे कथन को लेकर काफी विवाद हुआ था, जो कि धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा देने वाला था। जब इस बात का ब्राह्मण संगठनों को पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। जब इस खबर को जिला प्रशासन ने सुना तो उन्होंने तुरंत इस मामले पर कार्यवाही की, जिसके बाद जिला आवासीय शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से प्रांगण में स्थित दोनों विद्यालय के मास्टरों को निलंबित कर दिया और अग्रिम कार्यवाही के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को इसकी जाँच सौंप दी है। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको माफ नहीं किया जाएगा। एक शिक्षक को इस तरीके के कथन लिखना शोभा नहीं देता है। उन्होंने विरोध कर रहे संगठनों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और कहा कि इस तरीके के कथन लिखना गलत है और जो भी शिक्षक किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुँचाने का काम करेगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ललितपुर से राहुल साहू की रिपोर्ट। कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, बीएससी कृषि बीए, बीएड बीकॉम, बीएससी बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी। ऐसा स्वाद और कहा जनाब, अगर आप भी हैं स्वाद के शौकीन तो आइए मदर्स फूड, मऊरानीपुर का एकमात्र शानदार रेस्टोरेंट, जहां कम दाम में मिलता है 5 स्टार होटल वाला स्वाद, तो एक बार जरूर आए और ले बेहतरीन खाने का आनंद। शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक मदर्स फूड, मोती होटल के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान, फुल एसी रेस्ट हाउस, शादी विवाह, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। अरे यार, जो सशस्ता चिरांद फैला रहे हो तुम, और सर जी चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे हैं। अरे तुम भुइया कर रहे हो, तुम कान खोल के सुने, कौन ऐसी बड़ी पुट्टी नहीं चाहिए, इतने पे चाहिए भैया घरों का वॉल पुट्टी और पीओपी, जो रखे आपके घर को सालों साल नया। I like it.